सरकार के बयान आरोपियों के आए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है और सरकार भ्रष्टाचार में बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। मोदी साहब दिल्ली में कुछ मर्जी बोलें, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना तो लोग खा भी रहे हैं, खिलवा भी रहे हैं और खाने भी दे रहे हैं, तो सब लोग दोषी हैं। जिन लोगों के संरक्षण में सारा काम हो रहा है उनकी जाँच होनी चाहिए, और प्रदेश के बाहर की कोई जाँच एजेंसी इसकी जाँच करेगी तो बहुत परत खुलेंगी, बहुत लोगों का और नाम सामने आएगा। और मेरा सा मानना है कि इतने बड़ी रकम का लेन देन अगर हो रहा है, इतने करोड़ों रुपए, सौ करोड़ रुपए के टेंडरों में ऊपर नीचे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों के तार जुड़े हैं, उनके संरक्षण के बाद ही इस पूरे काम को अंजाम दिया। अभी तक जो भी इस कार्रवाई में डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी चीज़ें इसमें आई हैं उन पे सब पे जाँच होगी, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, लॉकर्स हैं, उनकी तलाशी ली जाएगी, उनको चेक किया जाएगा, इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करके जो भी लिंक पर्सनस हैं उनसे पूछताछ करेंगे, FIR दर्ज करके और उसके IO नियुक्त होगा और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जो 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 भी व्यक्ति और जो भी चीज़ें हैं उनके पूरी जांच करने के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। जलदाय विभाग में तो सीधे सीधे हैं मंत्री किरण माहेश्वरी इस करप्शन के लिए जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ बयान देकर नहीं बच सकती। जो बड़े अधिकारी पकड़े गए वो मंत्री के आदेश के बिना कोई भी काम कर नहीं सकते। जिस कंपनी को टेंडर दिए गए, जिस कंपनी की बात वो कांग्रेस शासन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस शासन में पैसा पास नहीं हुआ था, कांग्रेस शासन में टेंडर शुरू नहीं हुआ था, टेंडर आपके शासन में शुरू हुआ है, पैसा आपने पास किया है, मंत्री के उन फाइलों पर साइन है, जो मंत्री तक जाती है फाइल, आप ऊपर से मंत्री कह रही है कि सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार है, कांग्रेस का नाम लेती है, शर्म आनी चाहिए इस पूरे मामले की। इसमें इनमें हिम्मत है तो हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश से जाँच करा ले, सच्चाई सामने आ जाएगी, मंत्री भी जिम्मेदार है। चलिए जैन साहब, आपका रुख करता हूँ। पूरे मामले को लेकर मंत्रियों की जो भूमिका है वो निश्चित तौर पर संदिग्ध लगती है। आपको लगता है कि सीधा जांच के दायरे में मंत्री को लाया जाना चाहिए? जितने भी बड़े टेंडर्स होते हैं ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स के टेंडर हैं, ये कोई छोटे मोटे काम का प्रोजेक्ट नहीं जहाँ सी ग्रेड का या बी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्टर को होता है। यहाँ प्री क्वालिफिकेशन बिड एक्सरसाइज होती है और हर फाइल मंत्री तक जाती है बिना मंत्री की इच्छा के। इतने हैं 1000 करोड़ के या 200 करोड़ के या 2200 करोड़ रुपए के टेंडर नहीं हो सकते। तो कुल मिला के ये कहना कि मंत्री जी को पता नहीं, और जिस आदमी को कम से कम मंत्री इन्होंने महेश्वरी जी से चुनाव लड़ा होगा तो ब्लैक पेपर तो देखा ही होगा, इन्हें ये तो पता होगा ना कि SPML को हम ब्लैक लिस्ट करने की मांग कर रहे थे, जिन्होंने ब्लैक लिस्ट करने की जांच नहीं बिठाई। और जहां तक मुझे ध्यान है कि पहली जब इनकी मीटिंग बीजेपी की कैबिनेट की हुई थी और उस समय शायद ब्लैक पेपर मंत्रियों को दिया गया था कि आप इसकी जांच कराएं और इन कंपनीज के विरुद्ध कार्रवाई करें, परंतु शायद ये जल संसाधन विभाग एकमात्र ऐसा मंत्रालय था जिन्होंने SPML को छोड़ना उचित नहीं समझा। और हर कोई रीड कर सकता है क्यों उचित नहीं समझा, क्यों नहीं समझा। यदि मेरा साफ मानना है कि जो कारण सामने आ रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े हर फाइल, इतने बड़े टेंडर्स की हर फाइल पर मंत्री किरण माहेश्वरी के दस्तखत जरूर मिलेंगे आपको। और जब उनका रेडी कह रहा है, जब OSD का नाम आ रहा है तो मंत्री नहीं, OSD के थ्रू ही गए, और OSD सरकार अपॉइंट नहीं करती, मंत्री अपनी च्वाइस से लगाते हैं अपना OSD को। मैं उस पहलू पर भी आता हूं। सुशील शर्मा जी हैं जयपुर से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार साहब, आप सबको बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग ये कहने लगे कि भ्रष्टाचार शब्द अभी भी लगा हुआ है, क्या भ्रष्टाचार नहीं, वो तो भ्रष्टाचार में मर्ज हो गया। कुछ ऐसा ही कहा था जब चीफ इंजीनियर मीणा को पकड़ा गया। शुक्रिया आपका। सुशील शर्मा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार अश्विनी जी, बताए सर। अश्विनी जी, इतना बड़ा घोटाला होता है और ये अफसरों को पकड़ लेते हैं, ये निश्चित रूप से बिना सरकार की सहमति के और बिना मंत्रियों की सहमति के इतना बड़ा हो नहीं सकता। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सरकार का लंबा हाथ है। अब फंस जाते हैं तो ये सरकार, यही हुआ था खान विभाग में भी, यही हुआ था। बिल्कुल ऐसा होता आया है और फिर भी चल रहा है, कब तक चलेगा? धन्यवाद आपका भी। अर्चना जी क्या चाहती हैं, कि मंत्री पर कार्रवाई हो, इस मामले की न्यायिक जांच हो? देखिए अश्विनी जी, जब किसी प्रकरण को ये वाहवाही लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं कि हमने भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया और पूरे सिस्टम से भ्रष्टाचार उन्मूलन की कवायद हम शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि कोई विभाग है उसका एक सैंक्शन करने की एक लिमिटेशन होती है कि इतने करोड़ के काम है जो मंत्री के स्तर पर सैंक्शन हुए। अब ये जो जिस भ्रष्टाचार की आज बात की जा रही है उसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ब्लैक पेपर को लेकर दावे भी करती है। कांग्रेस के समय था, कांग्रेस के समय इस कंपनी को टेंडर दिया, इसका तात्पर्य नहीं है कि वहाँ भ्रष्टाचार हो गया। वो जैसा कि जैन साहब कह रहे थे, वो ओपन बिड होती है, कोई भी आके पार्टिसिपेट करता है और उसकी जो जिस आधार पर टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके आधार पर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब ऐसी अवस्था में जिसको आप गलत समझ रहे थे,
जिस और सही बात है, बीजेपी ने कहा भी था कि पूर्ववर्ती शासन की समस्त योजनाओं और समस्त इम्प्लीमेंटेड वर्क्स को ये री एग्जामिन करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करके इन्होंने अपने पॉलिटिकल वेंडेटा को भी दर्शाया था और उस मामले में उन्होंने लोक कल्याण की योजनाओं को होल्ड पर डाला था। लेकिन जिसको आप भ्रष्टाचार बताने का प्रयास कर रहे थे, ऐसी क्या आवश्यकता थी पंकज जी कि आप अब डिफेंस में भी उतरेंगे कि हमने उसको दिया और हमारी मंत्री का कोई लेना देना नहीं है? साफ कहा उस कंपनी के मालिक ने जिसने पैसा दिया है कि खुद किरण माहेश्वरी उन सब प्रोजेक्ट्स का दौरा कर रही थी और दौरा करने के बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो पैसे ऐसे में मंत्री की भूमिका पर जांच क्यों नहीं और क्यों अब तक सरकार की ओर से या फिर संगठन की ओर से सवाल किया गया? अश्विनी जी मुझे बात बताइए कि जब खनन घोटाला हुआ, जैन साहब कह रहे थे, इस बात को मैं भी कहना चाह रही थी कि इनके मंत्री बड़े मासूम से बनकर मीडिया से रूबरू हुए। मैं दोनों पहलू पर आता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है, मेरे पास फाइल नहीं आती। सुनिए आप मेरी बात को, मेरे पास फाइल नहीं आती, ये गंभीर कह सकते हैं कि एक भूल भी नहीं कह सकते, गंभीर अपराध है। मैं बात करता हूं, पंकज जी को मौका देंगे हम और बैठे हुए और आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने सिग्नेचर नहीं किया, तो अपराध है, अपराध की श्रेणी। बिल्कुल आ रहा हूं। कृष्णा कोरानी जी और खालिद कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। कृष्णा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ परिश साहब नमस्कार। बताए परिश साहब, मैं आज आपके ये चैनल पे एक बात कहूंगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक लाल किले पे बैठ के बयान दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं तो परिश साहब आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आज ये भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से ना IAS IPS को हाथ डाल रहे हैं, तो ये मंत्रियों में क्यों नहीं हाथ डाल रहे? मंत्रियों की भी जांचें करवाएं। मैं बिल्कुल इसी सिलसिले में आगे बढ़ रहा हूं। खालिद साहब नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर नमस्कार जी। सर सबको पता है कुछ चोरी करने वाला हो, काला बाजारी करने वाला हो या भ्रष्टाचार करने वाला हो, उनको पता है वो एक ना एक दिन पकड़े जाने हैं, तो लोग क्यों इतना खतरा मोल लेते हैं कि वो बदनामी करते हैं अपने। मैं भी नहीं समझ पा रहा कि ये सिलसिला क्यों बदस्तूर जारी है। पंकज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री चाहे रिणवा हो, रिणवा से अब माहेश्वरी तक सिलसिला आ गया है, संगठन चुप है, सरकार चुप है, क्या मंत्री यूं ही अपनी मर्जी चलाते रहेंगे? देखिए सुनिए जी, मैं कह रहा हूँ आपको, चुप नहीं रहेंगे। आप इस पूरे इस केस को देखिए आप, कि जब पुराने केस देखेंगे कि हम जितने भी हमने जो है शिकायतें की, वहाँ पर लगातार हम लोगों ने शिकायत की, परिवादी थे हम, उसकी शिकायतकर्ता थे। जब ये जो केस है जल भवन का, जो जल केस है, इसमें कोई परिवादी नहीं है, कोई वो नहीं है, खाली सरकार इसके अंदर जो है मॉनिटरिंग कर रही थी, सरकार लगातार कर रही थी कि इस कंपनी के ऊपर लगातार पिछले बार से आई। मैडम आने दीजिए, अब मैडम देखिए बताइए, टेंडर दिए ना आपने, करोड़ों रुपए के टेंडर दिए इसको मैडम, कसाब को किसने नहीं देखा? जांच करते हुए नहीं, मैं कह रहा हूँ कसाब को क्रिमिनल काम करते हुए किसने नहीं देखा? देखा लेकिन तो आप देश के, लेकिन देश की न्याय प्रणाली ने उसको पूरा दिया ना, बिल्कुल पूरा नहीं, उसको प्रणाली दिया ना, उसका खर्चा किया गया ना। मैं यही कह रहा हूँ उसी जगह आ रहा हूँ, मैं उसी जगह आ रहा हूँ, डिफेंस नहीं है, मैं उसी जगह आ रहा हूँ। हम मंत्री वाले सवाल पर बात कर रहे हैं पंकज जी, हम मंत्री वाले सवाल पर बात कर रहे हैं, अर्चना जी ने और जैन साहब ने जो उठाया आ रहा हूँ उसी पे। ये जो पूरा कांड था, लगातार सरकार ने, बीजेपी ने कहा कि इसके इस कंपनी के ऊपर लगातार जो है आरोप है, उन आरोप पे लगातार काम नहीं करिए, और सरकार ने इसकी जांच पे लगातार कहा कि इसकी जो है जांच होनी चाहिए। मंत्री गलत है? अरे सुनिए ना मैडम, आ रहा हूं ना मैं, मंत्री के ऊपर आरोप होना चाहिए? मैडम चलिए पंकज जी, अर्चना जी एक बार बात पूरी हो जाए, अर्चना जी एक बार बात पूरी हो जाए, मैं सुनूंगा फिर से। अगर नहीं बोलेंगे तो हम बुलवा लेंगे। गलत है ये बात, हमारा हमारा दायित्व आप जो आरोप लगाए उसको सुनेंगे, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, फिर कह रहे हो मॉनिटरिंग कर रहे हो, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। पंकज जी की एक बार बात पूरी हो जाए, हो सकता है आपके सवाल का जवाब, हो सकता है आपके सवाल का जवाब हो। इससे बीच में बोली मेरी आदत नहीं है। आप पहले बोलिए चलिए हमारा डिफेंस चल रहा है, करोड़ों रुपए के टेंडर देके जनता का पैसे आपने बर्बाद कर दिया। सही बात है, क्योंकि आपको डिफेंस आते थे, आपने हमेशा घोटाले किए और डिफेंस किए, हमने घोटाले नहीं किए, हमारा डिफेंस नहीं आता। करोड़ों रुपए से ऊपर कर दो, आपका अधिकारी कह रहा है कि साहब ये तो सिस्टम है, तो पार्ट ऑफ सिस्टम की जो मुखिया है उसको तो पीछे भेजो, आप क्यों नहीं मजबूत होगा? और घोटाले करना उनको छिपाना, घोटाले में खाली खनन मंत्री की भूमिका नहीं है, इतना बड़ा घोटाला एक मंत्री का। मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, भूमिका किस पर होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले बात है क्या किरण महेश्वरी जो कि महकमे की मंत्री है, जिसके दो बड़े अधिकारी एक घोटाले में पकड़े जाते हैं, टेंडर के जरिए कमीशन का खेल चलता है, खुलासा होता है, जवाब नहीं देने दिए गए। आता हूँ पंकज जी, मैं जानना चाहूंगा और रछोए साहब का विरोध करूंगा, ब्रेक का कॉल है, ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, पंकज जी से वापसी करेंगे और रछोए साहब से समझेंगे ऐसे में क्या करेगी अब ACB। भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। एक अधिकारी जब ये खुला कह रहा है इस बात को कि साहब ये सामान्य प्रक्रिया है,
तो इसका मतलब ये तो है कि मतलब कोई सा ऐसा विभाग बाकी नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता हो। भ्रष्टाचार रोकने में सरकार विफल नहीं रही बल्कि बहुत विफल रही है। वैसे ये कहती डोलती है कि हम मतलब हमारी सरकार आ जाएगी भाजपा की राज्य में केंद्र में या अन्य राज्यों में तो हम जनता को ये देंगे जनता को देंगे,